How are you? So we have completed our chapter 1, the food, and this today in this video we will start chapter 2, the component of food. In the previous class we have studied about the nutrient like carbohydrate, protein, vitamins, fats, minerals, roughage, water and etc. But in this chapter we will study about the component of food, means which nutrient found in which food, what is the main component and so on. So second chapter mein hum log component of food ke bare mein padhenge, yani food mein kaun kaun se component hote hain, wo kitne type ke hote hain, unke sources kya hain aur unke hamare body mein function kya hain. So the main component of our food are nutrients, roughage and water. हम लोगों के फूड का मेन कंपोनेंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट, रफेज एंड वाटर. द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द मैक्रो न्यूट्रिएंट दैट आर द फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ अवर फूड, इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट ऑफ फूड. सो द कंपोनेंट ऑफ फूड, देयर सोर्सेज एंड फंक्शन. सो वी विल स्टडी such point in the given chapter. So the carbohydrate are main source of energy for our body, therefore they are called energy giving food. Carbohydrate are of two type. Carbohydrate jo hai wo hamare body mein hame energy deta hai work and play ke liye, isliye ise hum energy giving food kehte hain. Carbohydrate two types ke hote hain. First one is simple carbohydrate and second one is कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल मतलब एक सिंगल चेन जो इजिली हमारे बॉडी में जाए और डाइजेस्ट हो जाए, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसे डाइजेस्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस को फेस करना होता है एंड देन ये जाकर के डाइजेस्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस है वो स्मॉल पार्टिकल में टूटते हैं, देन ये हमारे बॉडी में इजिली डाइजेस्ट होते हैं. सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जनरली ग्लूकोज में पाए जाते हैं जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं और हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, जैसे बनाना, पपाया, मैंगो एंड ग्रेप्स. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये रिजर्व फूड होते हैं प्लांट के, यानी प्लांट जो है वो फूड बनाने के बाद आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये टेस्टलेस एंड ऑडरलेस होते हैं, यानी इनका कोई टेस्ट नहीं मिलेगा और ना ही इनमें कोई स्मेल, यानी ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, तो ना ही इनमें कोई स्मेल होगा. ये एक व्हाइट पाउडर की तरह होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, पोटैटो, मेज, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नाउ वी विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अवर फूड बाई अ सिंपल एक्टिविटी, एंड फॉर दिस टेस्ट वी नीड अ रॉ पोटैटो, यानी हमें एक कच्चा आलू, आयोडीन सॉल्यूशन एंड अ ड्रॉपर. आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए, जिससे हम लोग पता करेंगे कि हमारे जो फूड आइटम में वो स्टार्च है या नहीं है. सो फर्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड देन वी विल स्टार्ट द मेथड. टेक अ पीस ऑफ रॉ पोटैटो एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन on its cut surface with the help of dropper, and now we will observe. We observe blue black color when the iodine drop fall on the cut surface of potato. From the given picture you can see there is the iodine solution in the dropper and potato piece. Is potato ko cut kiya gaya hai jisme iodine solution hai. Hum ek chhota sa potato ka piece lenge jise cut karenge aur usme hum log iodine ke kuch drop dalenge. Jaise hi dalenge to जिस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट होगा पोटैटो का वो पार्ट ब्लू या ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा. सो नाउ लास्ट द कंक्लूजन,
दिस शो दैट पोटैटो कंटेन स्टार्च, ये शो कर रहा है कि पोटैटो जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. नाउ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद वेरियस फूड आइटम्स लाइक बॉइल्ड पोटैटो, पाउडर पल्सेस, बॉइल्ड राइस, मेज, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड वी रिकॉर्ड अवर ऑब्जर्वेशन. सो विद दिस एक्टिविटी वी विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अवर फूड आइटम. In this topic, we will study about the protein and their parts. So, protein are necessary for growth and repair the body. Therefore, it is also called bodybuilding food. Protein जो है हमारे body में damaged cell है उन्हें repair करता है, हमारे body में टूट फूट की मरम्मत करता है, इसलिए इसे हम लोग bodybuilding food भी कहते हैं, as we study in the previous chapter. So protein can be obtained from the plant and animals. So what is the sources? Plant protein. Food item that we get from plant that contain protein are called plant protein. वो food item जिससे हम plant से obtain करते हैं उन्हें हम plant protein कहते हैं, specially वो food item जिसमें protein contain होता है. For example, beans, nuts, pulses, सीरियल्स एक्सेट्रा. एनिमल प्रोटीन, वॉट इज एनिमल प्रोटीन? फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल एंड दैट कंटेन प्रोटीन. वो फूड आइटम जिन्हें हम एनिमल से प्राप्त करते हैं और उसमें प्रोटीन कंटेन होता है उसे हम लोग एनिमल्स प्रोटीन कहते हैं. इनके सोर्स हैं लीन मीट, फिश, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. लीन मीट का मतलब होता है वो मीट जिसमें फैट ना हो. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड सैंपल. हमारे फूड सैंपल जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं इसको टेस्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ बॉयल्ड एग, यानी एक उबला अंडा लेंगे जिसमें कि प्रोटीन होता है और हमें ये टेस्ट करना है कि उबले अंडे में प्रोटीन है या नहीं. तो हम इसका वाइट वाला पार्ट लेंगे. उसके बाद हम लोग एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और एक कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और ड्रॉपर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे. तो हम क्या करेंगे कि 100 ml ऑफ वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे एंड 100 ml वाटर में 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा लेंगे. So when we mix the 2 gram of copper sulfate in 100 ml of water and 10 gram of caustic soda in 100 ml of water, so we prepare copper sulfate solution and caustic soda solution. So now let's start the method. So take a piece of boiled egg, white portion in a test tube. हम लोग जो egg है उसके white portion को छोटा छोटा cut करके test tube में ले लेंगे. इसमें हम लोग 2 या 3 drop जो है वो सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे और देन उसके बाद हम इसमें कास्टिक सोडा ऐड करेंगे और इसको हम लोग धीरे धीरे जेंटली शेक करेंगे. देन कुछ मिनट के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे जो फूड आइटम थे जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है वो इन दो सॉल्यूशन के मिलने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, यानी फूड मटेरियल टर्न वॉयलेट कलर. यानी इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? इसका ऑब्जर्वेशन होगा द कंटेन ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, यानी ये लाइट पर्पल यानी पिंक और पर्पल कलर में ये चेंज हो जाएगा. द वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन बॉयल्ड एग वाइट पोर्शन. ये वाइट कलर का जो वाइट पोर्शन एग का था ये पिंक कलर में चेंज हो गया, यानी वो फूड आइटम जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा ऐड करेंगे और अगर वो पिंक कलर में टर्न हो गया यानी वॉयलेट यानी लाइट पर्पल यानी पिंक में चेंज हो गया इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है. सो नाउ वी कैन रिपीट दिस एक्टिविटी बाय टेकिंग पाउडर्ड पल्सेज एंड बीन्स और सम अदर प्रोटीन रिच फूड इंस्टेड ऑफ एग, क्योंकि हम लोग एग को ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए अब हम लोग अदर फूड आइटम लेंगे. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्रोटीन दैट इज, डू यू नो, आवर स्किन, हेयर, नेल्स, मसल्स एंड इवन सिल्क
from silkworm are made up of protein. So at the last, my dear student, I am giving you a question to solve related the topic whatever we have studied today. So read this question carefully and solve in your copy. I hope you will solve this question very fast with the help of my video. So my dear student, if you like my video, please like, share and subscribe, and also press the bell icon ताकि मेरी नोटिफिकेशन अगले वीडियो की आप तक पहुंच जाए. और आपको ऐसे ही और भी मैं वीडियोस भेजती रहूँगी जिससे आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने चैप्टर्स को पढ़ने में आसानी होगी. इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू.